देख सकते हो मम्मी और पापा पूरा चालनी मार रहे हैं। ये हम लोग का ट्रेडिशनल चालनी, इसको हम लोग बोलते हैं अपना भाषा से, नेपाली भाषा से चालनो बोलते हैं, चालनी चालनी। सो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी बढ़िया होंगे। होगा गाइस, तो सुबह सुबह उठ चुका हूँ, लेकिन बहुत लेट से उठा हूँ क्योंकि इधर उधर करते करते मोबाइल वीडियो पब्लिक कर दिया, तो फिर तो अभी मैं पूरा अभी फिर ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज बहुत काम है गाइस, क्या करें, वो घर का बेरा भी लगा रहा था और ट्रैक्टर के लिए जाना है क्योंकि बहुत दिन में धूप लगा है ना, और थोड़ा सा सरसों है उसको भी मोड़ना करना है, तो और खेत पर भी हल मारना है और जिंजर लगाना है, अदरक अदरक भी लगाना है गाइस, और दम लाउन है गाइस, अभी धान छोड़ने से आओ धान अलग दी। और यो पाल बहुत चावल का दाम है, 38 पूरी आलू चावल का दाम, जो चावल का रेट ना यहाँ पर पूरा अरुणाचल पर पूरा दाम हो रहा है, वाह 37-38 ऐसा हो रहा है, तो 2 रुपये कम है 40 पहुँचने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा मैं झूम खेती मैंने धान फैलाना पड़ेगा, 2 धान का सिप, तो उसका पौधे निकलने के बाद में बढ़िया से उसमें रेनी उरेनी करके सफाई तफाई करने से जल्दी खाने मिलेगा, चावल खाने मिलेगा, तो इस वजह से मैं ट्रैक्टर का लिए जाऊँगा पहले। ट्रैक्टर नहीं मिलने से भी आज घर पर लगना पड़ेगा, और ट्रैक्टर मिलेगा तो सरसों भी मड़ाना करना है और खेत भी हाल मानना है बारी पर, तो देखते हैं किस किस तरफ होगा, घर तरफ भी लगना पड़ेगा, वो किरण भानिश भी आएगा बोल रहा है, देखते हैं। और यहाँ पर सुबह सुबह रोहित का मम्मी गाय दुला रहा है क्योंकि पूरा मक्खी लगता है ना, बा इतना काटता है गर्म दिन में ना, और दूध खिलाने के लिए भी नहीं सकते, पूरा ये लगता है ना झींगा, तो ठीक है आप गाय दुलाते रहो, मैं जाऊँगा ट्रैक्टर पर ना, तो जा के आता हूँ ट्रैक्टर, मेरा पसंद काम है ट्रैक्टर के लिए खबर लेने जाना पड़ेगा। और बीजन तो यहाँ पर उसका जो अदरक का सीप यहाँ पर है भाई, ये देखिए पूरा इसको लगाना है, टाइम भी लॉस हो रहा है ना बारिश भी गिर गिर के। और रोहित बैठो, हाँ लो गाइस लाइक, और जल्दी बनाएंगे हम लोग घर। ठीक है ठीक है, वैसे अभी जाना है घर क्योंकि ट्रैक्टर तो मैंने पैसा दे दिया 2000 रुपया, तो आज तो टाइम नहीं मिले बोला है क्योंकि दूसरा का हाल मानना है, बोला है दूसरा का बुकिंग किया है, तो ड्राइवर जी अभी तेल लेने जा रहा है, तो चलते हैं हाँ कल को आना। तो बस फाइनली अभी ट्रैक्टर ढूंढ के भी आ चुका हूँ, एक तरफ तो गया उसके लिए हाल मानने के लिए पैसा दे के आया, और इस तरफ में भी 2 ट्रैक्टर है ना, इस तरफ सरसों मड़ाने के लिए बुलाया मैंने, तो अभी थोड़ा देर में आएगा, मैंने अभी सपाट तपा करना पड़ेगा जो आंगन ना। फाइनली अभी खाना खाना पड़ेगा जो ब्रेकफास्ट सुबह की, ये देखिए दही का साथ में, और दही यहाँ पर है, और ये मसूर दाल, और ये जेट फ्रूट, और क्या क्या मिक्स किया, पोटेटो आलू, और ये खुरसानी, तो खा लेते गाइस, ट्रैक्टर भी आ रहा है फटाफट, सरसों मड़ाना करना है उपाय नहीं, तो जाना पड़ेगा गाइस खाना पड़ेगा। टेस्टी गाइस ये चिल्ली, खाना खा लेते हैं फटाफट, जाना पड़ेगा सरसों मड़ाने के लिए। पूरा एकदम मुँह पूछते पूछते निकल गया, तारा तारी हो चुका, अभी ट्रैक्टर भी आ चुका है वहाँ पर, वो देखिए ये देखिए ट्रैक्टर आ चुका है, तो जाते ही खाना लेके भाई अब पूरा काम में लगना पड़ेगा सरसों मड़ा। फाइनली अभी पहुंच चुका हूँ, ये सरसों मड़ाना करना है, और ये काट साट पूरा हटा रहा है, और वो ट्रैक्टर वहाँ नीचे हल मान गया, तो आएगा थोड़ा देर में, इसको क्लियर कर लेंगे और इसको झाड़ना पड़ेगा, नहीं तो ट्रैक्टर डायरेक्ट उठता नहीं ऊपर में। आज को पूरा कड़क से धूप दे रहा है, सूर्योदय पूरा है, और कितना दिन बारिश दिया है, और आज को तोरी मड़ाना सरसों मड़ाना करेंगे हम लोग, देख ही सकते हैं अंजू ऊपर उठ के पूरा इसको सरसों को गिरा रहा है, ऊपर तो ट्रैक्टर नहीं उठ सकते, पूरा इतना सारा गिरा लिया, और पापा पूरा हल्का हल्का पूरा गिरा रहा है, और मम्मी उस तरफ गिरा रहा है, सब पूरा काम पर लग रहा है धमाधम से। मैंने तो आधा गिरा दिया। हाँ जल्दी काम करते हैं अंजित, पूरा धुलिया आ रहा है। हाँ
पूरा यहाँ पर चूहा आके बैठता है पूरा ये सरसों खाने के लिए। हाँ चूहा भी रहता है, सांप भी रहता है। स्नेक और पापा उठ चुका है। जब ये मड़ा ना करेगा ना कू कू आउट सुनेगा आप लोग को। मम्मी एक बार हमको सुनाई दिया था क्या बोलते हाँ कहानी उसका कू का कहानी सुनाया था वो रहा थोड़ा थोड़ा हाँ कू कू कर रहा थोड़ा थोड़ा और थोड़ा दिन रात मुझे खत्म होना था इसलिए घर बनाना छोड़ के लग रहा है अभी पूरा इतना बड़ा कुनिंग था पूरा जाप तो पूरा जहाँ था चित्रा मित्रा कट दिया क्योंकि उसको खिजाना पड़ेगा ना। लेकिन एक दुखी बात देखिए गाइस और घर में लगते लगते लगने से देखिए पूरा माटी उठा दिया जो माटी में ये पुका रहे थे ना कीटाणु उसने देखी ये सब पूरा माटी माटी बना दिया। ये ऊपर में भी माटी माटी ये देखिए पूरा बर्बाद कर दिया सरसों बर्बाद ये देखिए पूरा माटी माटी उठा दिया देखिए अभी क्या करें। उस तरह में भी ऐसे ही अभी यहाँ पर ट्रैक्टर घुराना पड़ेगा हो गया मम्मी ना। ऐसे अभी मड़ाना हो रहा है मेरा यहाँ पर सरसों ट्रैक्टर आया है इसको अभी एकदम लाए धीरे 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 इसको प्लेन करेगा उसका बाद पूरा घुमाएगा यहाँ पर। ये देखिए गाइस पूरा ट्रैक्टर से मड़ाना करता है यहाँ पर पूरा मड़ाना हो रहा है अभी अभी फिनिश होने वाला हो गया गाइस अभी थोड़ा टाइम है। क्योंकि अंदर में जाम होता है ना इसलिए ऐसा घुराना पड़ेगा। ख़त्म हो चुका है ये मड़ाना की करने वाला तो पैसा कितना 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो ये मड़ाना हो चुका है प्लेन हो चुका है लेकिन वही थोड़ा कष्ट होगा उसका जबड़ा फेंकते समय में और ट्रैक्टर जा रहा है वहाँ पर हाल मारने के लिए तो दूसरा काल मार रहा है पड़ोसी का अभी मैं इसमें पूरा सफ़ा करना पड़ेगा। देखते हैं अकेले आज लगना पड़ेगा अपना फैमिली सिर्फ किरण को बोला आते रहेगा मामा बोले तो अभी तक तो पहुंचा नहीं अभी करीब ऐसे 11 बज गया तो लगना पड़ेगा इसको जबड़ा सबड़ा पूरा फेंक के घर में जैसे तैसे पहुंचाने से टेंशन नहीं होगा और बारिश भी गिरने का बजाय बाई चांस कोई टाइम नहीं है ना आजकल नेट से भी इतना खास काम नहीं करता बारिश गिरेगा तो फिर सर्वनाश हो जाएगा मेरा तो अभी लाते हैं थोड़ा रेस्ट करके। आराम भी हो चुका है गप्पे सप्पे लगा लिया और ड्राइवर यहाँ पर है अभी जा रहा है गाड़ी मालिक ड्राइवर भी है गाड़ी मालिक भी है और यहाँ पर किरण आ चुका है यहाँ पहुँच गया दोस्तों। अभी लगते हैं ना सरसों मड़ाना तो ट्रैक्टर कर दिया अभी जबड़ा फेंकना है उसको पूरा फिनिश करके घर ले जाना है ना। और मम्मी चाय सा बनाओ क्या क्या खाना बना तो हम लोग लगते रहेगा लगते लगते एकदम फ्री पाउडर मिल गया मुझे भी और ये सबको फिर फ्री पाउडर मिल रहा है ना अंजू आप लोग को भी चाहिए तो आ सकते हो गाइस। हाँ और बानिश को भी मिल गया ना अरे पूरा और ज़्यादा नहीं थोड़ा सा इसको फिनिश करने के लिए तो उसका जबड़ा फिलाना पड़ेगा छोटा वाला ना कर लिया भी अभी थोड़ा देर
बाद में फिर निकलेंगे और थोड़ा रेस्ट भी करेंगे अभी फिर। और पापा तो पूरा अकेला लगना शुरू, देख सकते हो गाइस पूरा धूप में भी पापा लग रहा है अभी। अभी थोड़ा बहुत है यहाँ पर, थोड़ा कम है, और धूप देख सकते हो इतना ज़्यादा है, पूरा गर्म भी है ना आज, खत्म करने है ना। इसको पूरा अभी जमा करके ना ऊपर का वाला, ये छोटा छोटा वाला को, ये वाला जो जबड़ा को उठा के फेंक के, उसके बाद नीचे वाला जो सरसों का थोड़ा थोड़ा जबड़ा है कुछ भी नहीं, और साइकिल में लोड करके फिर घर का उधर पर ले जाना पड़ेगा, नहीं ऐसे तो फिर चोरी हो जाएगा। यहाँ में फिर कौन बैठेगा फिर रात भर? फ्री पाउडर देख सकते हो गाइस, आप लोग को भी चाहिए तो आ सकते हो। पूरा फ्री पाउडर। यहाँ पर ज्यादा पूरा क्या बोलते हैं काम भी नहीं करना, अभी पूरा बुखारी होगा हम लोग को, नाक बंद हो जाएगा, फिर नहाना पड़ेगा शाम को, इसका धूली का वजह से ना गाइस पूरा नाक बंद हो जाएगा। देख सकते हो मम्मी और पापा पूरा चालनी मार रहे हैं, ये हम लोग का ट्रेडिशनल चालनी, इसको हम लोग बोलते हैं अपना भाषा से, नेपाली भाषा से चालनो बोलते हैं, चालनी चालनी। ये हाथों से बनाया जाता है, बम्बू का बनाया है, लेकिन अपना नहीं, पड़ोसी का है, अपना हम लोग का तो एक ठुए वही वाला है, और ये वाला जो उधर से लाया है। मम्मी भी पूरा काम कर रहे हैं और पापा भी, और इधर पर भैया जो ऊपर ऊपर का जबड़ा जो पूरा फेंक रहा है अभी, इधर भी है। यहाँ पर तो बहुत बर्बाद हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो रखा हुआ था सरसों तो वो मिट्टी घुस गया अंदर से, मिट्टी जो उठा दिया चूहा लोग, इसीलिए गाइस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर मिट्टी, देख सकते हैं सरसों तो थोड़ा भी नहीं, सब सड़ गया, जैसे इतना जबड़ा जबड़ी है देख सकते हो, इतना काला काला, इसको अलग से सफ़ा करेंगे, ये तो तेल खाने के लिए होगा ना, इसको पूरा धुला के सुखाना पड़ेगा, और इधर का रखना पड़ेगा बीजों के लिए फिर से लगाने के लिए आने साल को। ये वाला जो नहीं होगा ये बर्बाद हो गया, ये अच्छा नहीं होता, नहीं निकलता, ये पूरा बारिश से भी भीग गया, बारिश से नहीं मिट्टी से नीचे से ठंडा घुस गया ना। अभी काम कर लेते हैं गाइस, अभी धूप भी बहुत कड़क है देख सकते हो, पूरा गर्मी हो रहा है, आज तो नहाना पड़ेगा, नहीं से तो पूरा खुजली हो जाएगा, यहाँ नहीं नहा के सोने से तो हो गया, और फिर रामलीला। अभी काम कर लेते हैं गाइस, पूरा काम धमाधुम लग रहे हैं हम लोग, लग रहे हैं कड़क से धूप है, और पापा यहाँ पर पूरा लोकल चालनी से पूरा सफा कर रहे हैं, और मम्मी उधर पूरा देख ही सकते हैं, पूरा यहाँ पर चूहा काट लिया है, पूरा मिट्टी देख ही सकते हैं, अंदर अंदर में पूरा खोद दिया ये मिट्टी। हाँ और अंजू पूरा तिरपाल हम लोगों ने बिछाया है। हाँ और पत्ता भी बिछाया है। हाँ और इधर दादा पूरा झाड़ू मार रहे हैं, और अंजू सफा करना पड़ेगा गाइस। ये देखिए दोस्तों पूरा चालनी मार रहा है यहाँ पे, ये देखिए ऐसा करके इसको फेंकना पड़ता है, सरसों का गुटी सभी नीचे गिर जाएगा, और वहाँ पे देखिए वैसा फेंकना पड़ेगा। ज्यादा हो गया क्या ना? ठीक है ऐसा घुमाना चाहिए। हाँ तो बढ़िया से सफा होता है। अभी जबड़ा सबड़ा सब फिला दिया, देखिए ना हाथ को क्या हाल हो चुका है, बाप रे बाप। इधर भी देखिए गाइस पूरा पाउडर, और यहाँ पर सफा हो चुका है, और ये वाला एक साइड का अच्छा था, माने वो थोड़ा अच्छा था, और इस तरफ को तो क्या बताऊँ बाप रे बाप। और ये थोड़ा नॉर्मल क्या, ये भी वही है, इससे ज़्यादा तो थोड़ा सा कम ज़्यादा माटी है, ये देखिए पाउडर, और ये है सरसों, इसको क्या बोले भाई साहब, ये देखिए माटी, सरसों निकलने से 5 किलो निकल जाएगा मिट्टी, 10 किलो तो ये निकलेगा, ये देखिए सरसों का हालत इस बार पूरा सर्वनाश हो चुका है, सिर्फ माटी हो गया, क्योंकि नीचे से जो चूहा ना माटी पूरा उठा दिया, और ये एक कीड़ा रहता है ना वो भी उठा दिया देखिए, क्योंकि पूरा बारिश गिरते 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 मड़ोना करने नहीं मिला है ना, इसका गुठी निकलने नहीं सका है सीप तो, सरसों का बर्बाद हो चुका है, ये धूली देख सकते गाइस, वाह इतना बर्बाद हो गया, बाप रे बाप। और यहाँ पर कितना गया होगा शायद, और काल को कबूतर के लिए एकदम झाड़ू मार के निकालना पड़ेगा, और अंजू यहाँ पर झाड़ू मार, और ये चालन मार रहा है, और भानिस पूरा आराम कर रहा है ना मेरा, देखिए ना
हालत पूरा खत्म है पीएन का। क्या हो गया देखिए इधर पूरा चेहरा के भी खत्म है। अभी जाके पूरा नहाना पड़ेगा शैम्पू लगा के दोस्तों। ठीक है अभी इसको बोक लेंगे ना घर में, इसको सभी मतलब बस्ता में डाल के घर में पहुंचा के मैं भी फुर घर ना। चलो ये फास वाला पूरा सरसों ले जा रहा है डोठू। हाँ दो बस्ता ना। हाँ ज्यादा तो नहीं सकेगा और फिर लेना आना पड़ेगा। हाँ टिप तो ले गया और सेकंड टिप मार रहा है। पापा लोग पूरा उठा चुका है यहाँ पर एक तो और दूसरा। हाँ और ले जाएगा इतना भारी है। चार पैकेट हो गया। हाँ चलो जाते हैं घर। क्या करेगा पूरा आज तू नहाना ही पड़ेगा उपाय नहीं। आज ना किया गर्म होने से काम करने से तू नहाना ही पड़ेगा। और किरण को भी बहुत लेट हो रहा है सूर्यदेव सोने गया ना। वाह क्या करेगा अभी ना ऐसे तो अभी एक टिप मारेगा तो जाएगा एक टिप में फिनिश हो जाएगा ना। अब जाते हैं घर ये फिनिश हो गया इससे अभी ना। चलो अभी लास्ट टिप ले जा रहा है देख सकते हैं। हाँ फिनिश अभी पूरा जा रहा है। हाँ पूरा सरसों का हम लोग पूरा इंतजाम कर लिया और मड़ाना करके भी लिया छोटा जबड़ा सब किया और उसमें धुली शुली मट्टी है वो तो काल सफा होगा। तो किरण ने मुझे इतना मदद किया लेकिन और मदद करने के लिए थैंक यू सो मच। वेलकम और आराम से जाइए क्योंकि आज बहुत लेट हो गया। जल्दी जाइए क्योंकि दूर ही है घर और काल फिर आएगा बुलाए तो ना। ठीक है मिलते हैं गुड नाइट बाय बाय। और गाइस किरण ब्लॉग को भी थोड़ा प्यार सपोर्ट दीजिए लाइक सब्सक्राइब। और आज इतना खुशी का दिन है कि उसके लिए मैंने 1K हो गया ना। हाँ तो 1K तू अभी केक काटेगा ना नहीं काटेगा तुम्हारा मर्जी है। केक तो मैं नहीं काटूंगा क्योंकि मतलब पैसा का थोड़ा वजह से। हाँ 2K में काटो ना। ठीक है पार्टी देगा बोला है तो ठीक है ना। ओके जाइए आराम से ना। बाय बाय। तो गाइस क्या करे और सरसों तो आज दिन भर लग के जैसे तैसे लेके आया और इतना गर्म था बाफरे बा जैसे तैसे पूरा भी पूरा लेतरा हो चुका है। देखिए अभी नाना जाना है और किरण भी चला गया और क्योंकि आराम भी करना पड़ता है ना पूरा थक चुका है आज पूरा एकदम थकान हो चुका है। तो गाइस वीडियो भी ज़्यादा लंबा रहा है यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। लव यू गाइस बाय बाय मिलते हैं दूसरे ब्लॉग के साथ।